ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, ब्रेक से पहले हमने छह राशियों की बात की थी, चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले सभी जातकों के बारे में। बात करते हैं हमारे वो दर्शक जिनकी राशि है तुला। आज बिजनेस में अच्छे सौदे मिल सकते हैं, प्रॉफिटेबल, फायदा देने वाले। नए व्यापार का, नई नौकरी का आज प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है। नई योजनाओं का, नई साझेदारी का, कारोबार का भी आज विचार बन सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपकी जीवन शैली में थोड़ा सा बदलाव हो सकता है। बहुत जल्दी आज आपको कुछ अच्छे मौके मिल सकते हैं। ध्यान रखें, दफ्तर में, ऑफिस में आज आप जो भी बात करेंगे वो पूरी तरीके से तथ्यों के ऊपर आधारित होनी चाहिए, अपना अनुमान मत जोड़िएगा उसके अंदर। आज के दिन की सफलता के लिए अपने पितरों की तस्वीर के समक्ष शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपका फ्यूचर आपके सामने होगा। पूरी शक्ति से हर काम को करने की कोशिश कीजिए, आगे बढ़िए। जमीन से संबंधित व्यापार करने वाले जो हमारे दर्शक हैं, उनको आज फायदा मिल सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए अपने माता पिता के चरण छूकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, अंतिम तीन राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, अशोक जी हैं मकराना से। इनके जन्म की तारीख है 27/7/1964 और जन्म का समय है इनका सुबह का 5:15 का। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। अशोक जी, अपना सवाल पूछिए। अशोक जी, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी, लगता है कि तकनीकी कारणों के चलते उनका संपर्क हमसे जुड़ नहीं पा रहा है। वो जानना चाहता है कि व्यापार जो है उनका, व्यापार चल नहीं पा रहा है, बहुत समय से खाली बैठे हैं, कुछ काम धंधा है नहीं इनके पास। देखिए अशोक जी, आपकी जन्म कुंडली में शनि की महादशा खत्म हुई है अक्टूबर 2016 में। उसके बाद आपको बुध की महादशा शुरू हुई है 16 साल की, जो 2033 तक चलेगी। बुध आपकी जन्म कुंडली के अंदर फाइनेंशियल पिछले 19 साल के मुकाबले आगे के जो 16 साल हैं, दैट विल बी द मच बेटर पीरियड एज पर फाइनेंशियल एस्पेक्ट, पैसों के लिहाज से अगर मैं बात कर दूँ। क्योंकि 19 साल शनि की महादशा आप भुगत रहे थे, आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा और शनि का विषयोग बना हुआ है, तो वो 19 साल के अंदर हम वो फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं गेन कर सके जो हम कर सकते थे, जो हम डिजर्व करते थे। चूँकि अब बुध की महादशा शुरू हुई है, बुध आपके धन भवन में बैठा है, निश्चित तौर पे आने वाले जो 2017, 18, 19, 20 ये जो साल हैं, ये आपके मेहनत के साल हैं। आप एफर्ट्स कीजिएगा, एक पन्ना रत्न सीधे हाथ में सबसे छोटी उंगली के अंदर धारण कर लीजिए, नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना कीजिए। किसी की जमानत नहीं लेनी, किसी की गारंटी नहीं लेनी, कोर्ट कचहरी के मैटरों से आपको दूर रहना है, सरल से उपाय कीजिएगा, फिर जब बात होगी तब आपके प्रश्नों का वापस जवाब देंगे। पंडित जी, जिस तरह माता पिता को अपने बच्चों की काफ़ी चिंता होती है, उसी तरह कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें अपने माता पिता की काफ़ी चिंता रहती है। इसी समस्या से संबंधित एक कॉल हमारे पास आया है पूजा जी का भीलवाड़ा से, जो कि अपनी मम्मी रजनी जी के लिए जानना चाहती है। पर पंडित जी, पूजा जी को रजनी जी की ना तो जन्म की तारीख पता है, ना ही जन्म का समय पता है। पूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। प्रणाम पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा। मैं मेरी मम्मी के बारे में पूछना चाहती हूँ, उनके नाम से लोन ले रखा है, वो कब तक चुक जाएगा उसके लिए? और मेरी मम्मी के स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता है, और जो भी संबंध है रिश्तेदारों से वो भी अच्छे नहीं रहते हैं, आसपास किसी से भी। देखो पूजा, जहाँ तक आपकी मम्मी का सवाल है, रजनी उनका नाम है, रजनी मतलब तुला राशि, पिछले 7.5 साल की जो शनि की 7.5 थी, वो अभी 26 जनवरी को, पिछले महीने 26 जनवरी को 7.5 साल की शनि की 7.5 खत्म हुई है। निश्चित तौर पे पिछले 6-7 साल से जो फाइनेंशियल फ्लक्चुएशन जो झेलने को दिख रही थी, जो कि हेल्थ में भी जो फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रही थी, उन सब पे 2017 में काफ़ी सुधार होता हुआ दिखाई देगा। अगर हम पैसों के लिहाज से, जैसा आपने कहा कि लोन की बात अगर करते हैं, प्रश्न कुंडली के हिसाब से करते हैं, विद इन 2 ईयर लोन चुकने की संभावना है। 2 साल के अंदर जो भी आपकी माता जी के नाम से लोन है, वो आप दूर होता हुआ दिखाई देगा, चुकता हुआ दिखाई देगा। हेल्थ सेक्टर की अगर मैं बात करूं, तो स्वास्थ्य के लिहाज से भी आने वाला जो समय है उसमें पॉजिटिव चेंजेस दिखाई देंगे। रही बात मान सम्मान की, ऐसा है कि आपकी मदर की जन्म प्रश्न कुंडली के अंदर ऐसा आता है कि राहु मंगल का अंगारक योग, इट मीन्स आपकी मदर के जीवन में यश नहीं लिखा है,
और जब किसी के यश नहीं लिखा हो तो उम्मीद नहीं करनी चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ होती है कि जब हम किसी से उम्मीद करते हैं, हम उम्मीद ही नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम ही नहीं होगी। इसलिए उम्मीद करना छोड़ दें, अपना काम है सबके लिए अच्छा करना, तो उस लिहाज से सब कुछ अच्छा करते जाएं। और आपकी मम्मी का जो सिर है सोते समय, वो पूरब दिशा या दक्षिण दिशा में रखिएगा, और एक बार इनके वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला के अंदर करवा दीजिएगा और बोलिएगा अपने पितरों के नाम का शुद्ध देशी घी का दीपक घर में नियमित रूप से जलाएं। तो पूजा जी, पंडित जी द्वारा बताए गए आसान से उपाय कीजिएगा, आपको जरूर से फायदा देखने को मिलेगा। श्री दर्शकों, मिल आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं अंतिम तीन राशियों के बारे में, जो कि मकर, कुंभ और मीन राशि। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके बिजनेस में थोड़ी सी भी लापरवाही आपको नुकसान पहुंचा सकती है। शॉर्टकट से जो भी आज आप काम करेंगे उसमें आपको 100% नुकसान होगा। जब तक आप किसी भी बात की स्वयं पुष्टि ना कर लें, जांच परख नहीं कर लें, तब तक सुनी हुई बात पर विश्वास मत कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए तुलसी सेवन करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपकी जो दैनिक दिनचर्या है यदि उसमें कुछ परिवर्तन कर लें तो निश्चित तौर पे सारे काम आपके लिए बहुत आसान हो सकते हैं। फ्यूचर को लेकर आपकी जो उम्मीदें हैं, जो सपने हैं, उनके बारे में पॉजिटिव वे से सोचिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए जरूरतमंद को दवाइयों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम जो राशि मीन राशि, रोजमर्रा के काम पूरे होने वाले हैं, छोटे कामों में भी ज़्यादा समय लग सकता है। ये ध्यान रखें कि जो भी काम हाथ में लेंगे बाद में उससे पीछे हटने का मौका आपको नहीं मिलने वाला है। आज के दिन की सफलता के लिए अनाथाश्रम में फलों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, आगे बढ़ने से पहले एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, प्रकाश जी हैं भीलवाड़ा से, जो कि अपने पुत्र विकास के लिए जानना चाहते हैं। विकास की जन्म की तारीख है 15/8/1987 और जन्म का समय है सुबह का 7:05 का। प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। मेरे बेटे की शादी कब होगी और इसको कौन सा व्यवसाय कराऊं जिसपे सफलता मिले? देखिए प्रकाश जी, आपके बच्चे की जन्म कुंडली में चंद्रमा की महादशा चल रही है और उसमें भी फिलहाल राहु का अंतर जो था वो अक्टूबर 2016 में खत्म हुआ है, ग्रहण योग। अब चंद्रमा की महादशा गुरु का अंतर शुरू हुआ है फरवरी 2018 तक। चंद्र और गुरु इस बच्चे के भाग्य स्थान में बैठे हैं और ये जो युति कहलाती है, ये युति कहलाती गज केसरी योग। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसकी जन्म कुंडली में इसके भाग्य स्थान का जो स्वामी है मंगल, वो अस्त है। प्रॉफिट बिजनेस करेगा तो लाभ चाहिए, लाभ के स्थान का जो स्वामी है बुध, वो इसकी जन्म कुंडली में अस्त है। कैरियर नौकरी व्यवसाय के घर का स्वामी जो है शुक्र, वो भी अस्त है। तीन तीन ग्रहों का अस्त होना, ये कहीं ना कहीं अस्त मतलब सूर्य भगवान जब अस्त हो जाते हैं, गर्मी रोशनी सब खत्म हो जाती है। तिकोना मूंगा इसको 6.25 रत्ती का पहनाइए, उसके साथ में पन्ना और डायमंड का कॉम्बिनेशन इस बच्चे को सबसे छोटी उंगली में पहनाइए। व्यापार की अगर हम बात करें तो लोहे को छोड़ के टेक्निकल, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल इस तरह के काम को नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है। कपड़े के काम के अंदर जा सकता है, फैंसी आइटम जो होते हैं, श्रृंगार सामग्री, कॉस्मेटिक आइटम, इस तरह के काम कर सकता है। और जहाँ तक विवाह का योग है, इस वर्ष के अंत तक में इसके विवाह का संपूर्ण योग बना हुआ है। हमारा शुभ आशीर्वाद इस बच्चे के साथ में, बच्चे की कुंडली बहुत अच्छी है, बस ये जो अस्त ग्रह हैं उनको उदय करना है, उसका ध्यान रखिएगा। तो चलिए दर्शकों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं, पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का गुड लक टिप क्या कुछ खास लेकर आया है आप सभी के लिए। आज के इस महंगाई के युग में धन की कितनी आवश्यकता है ये आप सभी जानते हैं। सुखपूर्वक रहने के लिए पग पग पर धन की आवश्यकता पड़ती है, पैसों की आवश्यकता पड़ती है। घर चलाना है, पैसा चाहिए। बच्चों को पढ़ाना है, पैसा चाहिए। क्षमता से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कन्या का विवाह करना है, पैसा चाहिए। एक घर का छोटा सा ही हो चाहे लेकिन घर हो अपना, पैसा चाहिए। पर जितना कमाते हैं वो सब रोज के खर्चों में ही पूरा हो जाता है। अपने सपनों को पूरा करने की चिंता रहती है। तो यदि आपको हर कदम पर धन की कमी का सामना करना पड़ रहा हो, फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा हो, रुकावटों का सामना करना पड़ रहा हो, आपका बिजनेस बहुत ज्यादा मंदा चल रहा हो, आपका स्वयं का मकान नहीं बन पा रहा हो, तो आज मैं आपको आपके कोष में वृद्धि करने वाला, तिजोरी में धन भरने वाला एक बहुत ही चमत्कारिक दुर्लभ मंत्र बता रहा हूं।
मेरा दावा है कि यदि आप इस मंत्र की साधना कर लें तो निश्चित तौर पर आपको चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलेंगे। आप लिख लीजिए इस मंत्र को, आपके टीवी स्क्रीन पर मंत्र आ रहा है, बहुत ही दुर्लभ मंत्र है। ओम श्रीम क्लीम श्रीम भगवती देव्ये नमः, दारिद्र्य हरताय कोष वृद्धि दिने दिने। पुनः एक बार सुनिए, ओम श्रीम क्लीम श्रीम भगवती देव्ये नमः, दारिद्र्य हरताय कोष वृद्धि दिने दिने। इस मंत्र की लगातार 40 दिन तक जप साधना कीजिए, माता रानी की आराधना कीजिए, निश्चित तौर पे मां लक्ष्मी आपके कोष के अंदर विराजेंगी, भगवान विष्णु के साथ में कोष में वृद्धि होगी, धन से संबंधित समस्याओं का समाधान मिलेगा, आपके सपनों को पूरा करने में आ रही धन की कमी भी निश्चित तौर पे दूर होगी। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारा कार्यक्रम आज आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। तो दर्शकों, आप सोमवार से शुक्रवार हमें कॉल कर सकते हैं हमारे स्टूडियो नंबर्स पर और जान सकते हैं अपनी समस्याओं के सरल से समाधान। तो दर्शकों, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।